दिनेश भाई, ये बर्ल BURL बर्ल बोल के जो होता है विनियर, ये सामने हमने रखा है, इसके बारे में बताइए ना क्या होता है। विनियर यूजली स्टेम पार्ट से निकलता है, जो झाड़ के बीच का पार्ट होता है, मगर बर्ल एक ऐसी चीज़ है जो रूट पार्ट से निकलता है। आप ये बोलिए कि इंडस्ट्री में जितने भी विनियर्स निकलते होंगे उसमें से ओनली 5% ऑफ विनियर्स जो रूट पार्ट से निकलते हैं वो बर्ल्स होते हैं, और ज़्यादातर ये सारे अमेरिकन स्पीसीज हैं। ये वोना बर्ल है, ये करिनियन बर्ल है, ये रेड आइलैंड बर्ल है, मैपल बर्ल हुआ और एक मापा बर्ल हुआ। हार्डली देर आर 6 to 7 स्पीसीज जो रूट पार्ट से निकलता है, मगर इसकी जो ग्लो, इसकी जो इफेक्ट, ये जो बारीक 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 आप देखेंगे, हर बर्ल में बारीक 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 डिज़ाइनें होती हैं। ये ऑफकोर्स रूट पार्ट है, उसके लिए इतनी ये गहरी डिज़ाइनें होती है, और यूजली रेगुलर विनियर सारे फ्लिश फॉर्म में और लंबे 8 फुट आते हैं, मगर बर्ल्स आप देखेंगे तो ये जॉइंट्स में आते हैं। ये सारे छोटे 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 टुकड़े से बनाए जाते हैं, एक करेलियन बर्ल को छोड़कर उसको पीलिंग किया जाता है, उसके लिए वन पीस है ये, नहीं तो सारे छोटे छोटे टुकड़े में आते हैं, उसको प्रेस करना पड़ता है बुकमैच और फिर बर्ल बनता है। यानी ये किसी बहुत बड़े झाड़ के रूट्स को लेकर उसके लीफलेट बना के ये विनियर बना है। 100% बर्ल्स एक रूट पार्ट्स में से विनियर निकालना, यानी वो बड़ा जड़ ही होना चाहिए जिसमें से हम विनियर निकाल पावे, उसके लिए मैंने उसके लिए ये सारे शायद अमेरिकन स्पीसीज है जिसके झाड़ शायद बड़े बड़े होंगे तो ये निकलते हैं, तो शायद नहीं है ये। आप देखेंगे तो शायद आपको, जिसको नॉलेज नहीं है उसको पता नहीं चलेगा, पर पर्सन हु नोस के ये रूट से बना है वो अप्रिशिएट कर सकता है, राइट? डेफिनेटली ये लोग काफ़ी टाइम ये पता तो चल जाता है, इसे बर्ल्स कहते हैं, ये करते हैं आर्किटेक्ट लोगों को, मगर कहाँ से निकला ये रूट पार्ट से, ये चीज़ सिर्फ रूट पार्ट से निकलती है वो काफ़ी कम जनों को पता है। बर्ल्स यानी रूट पार्ट।